मूर्तिकारों ने नवरात्र में स्थापित होने वाली मां दुर्गा की प्रतिमाओं को आखिरी स्वरूप देना शुरू कर दिया है, जिसके संबंध में मूर्तिकारों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से कार्यों पर बहुत बुरा असर पड़ा है और शासन द्वारा लेट से आई गाइडलाइन के कारण इस साल ज्यादा मूर्तियां नहीं बनी है। इस साल 25% ही मूर्ति बनी है जिसको रंग देकर तैयार किया जा रहा है। शासन के निर्देश के अनुसार केवल 5 फीट की ही मूर्ति बनाना है, जिससे अधिकतर ग्राहक इस साल मूर्ति नहीं बैठा रहे हैं। मूर्तिकार ने बताया कि हर साल लगभग छोटी से बड़ी मिलाकर 200 मूर्तियों की बिक्री होती थी, जिससे अच्छी आमदनी हो जाती थी। इस साल अभी तक 50 मूर्तियों की भी बुकिंग नहीं हो पाई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मूर्तिकारों ने कहा, एक्सीडेंट हो गया और फिर बहन आई है तो सुमित, हर साल आप मूर्तियों को बनाते हैं और बेचते हैं, इस साल क्या स्थिति है महामारी में, मूर्तियों कितने हो जाती है, क्या इस साल कितने बिकने लगे? इस साल लगभग पिछले साल से पहले इस समय मूर्तियां कम बनी हैं, और मतलब पिछले साल जो ज़्यादा मूर्तियां बनती थी पिछले साल से कम मूर्तियां बनी इस बार। कितना अंतर आया है? बहुत अंतर आया, मतलब पिछले बार कहीं 100-200 बन जाती थी, तो इस बारी में मैम सब पूरा मोहल्ला मिला के 50-60 मूर्तियाँ होंगी। क्या लग रहा है कुछ कमाई हो जाएगा? अब कमाई तो थोड़ा बहुत हो ही सकता है। ओम प्रकाश प्रजापति, हर साल आप लोग मूर्तियों को बनाते थे और बेचते थे, लॉकडाउन के वजह से कितना प्रभाव पड़ा है? सर लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, कहीं मूर्तियाँ इस समय बहुत कम बनी है, पहले ज़्यादा बनती थी, बड़ी बड़ी बनती थी। सरकार ने कितने बड़ी मूर्ति बनाने की दी है? वही 4 फीट 5 फीट की दी है, पहले तो 2 फीट की दी थी, अब इस समय बड़ा पेपर में दिया बताया कि मतलब 2-5 फीट तक ज़्यादा नहीं बन पाएगा। क्या लग रहा है कुछ बिक्री हो जाएगी? तो क्या पहले से बुकिंग हो जाता था दशहरा? हाँ पहले से 1-2 महीना पहले ऑर्डर मिल जाता था। इस साल तो अभी मतलब ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिला है, मतलब कम बुकिंग हुआ है। पिछले साल की तुलना कितना अंतर आया इस साल? इस सब तो बहुत कम आया है सर। खराब मरीज, लॉकडाउन समझ लीजिए हमारा कम से कम 75% नुकसान हुआ है सर। पिछले साल कितना बुकिंग हुआ? कम से कम जान लीजिए हम कम से कम 2 लाख हम कमाते थे। इस साल क्या लग रहा है? 50 के अंदर रहेंगे। प्रशासन ने कितनी बड़ी मूर्ति बनाने की परमिशन? 5 फीट से नीचे बुकिंग हुआ इस साल? कुछ बुकिंग हो गया अभी तो 17-18 नवरात्र स्टार्ट हो जा रहा है। हाँ। क्या लग रहा है? अब कस्टमर चल ही नहीं रहे हैं। लॉकडाउन का कितना प्रभाव पड़ा है? 50% सर जी। अवधेश कुमार प्रजापति, इस समय सर 25% हम लोग मूर्ति बनाए हैं और बीच में काम भी रुक गया था इस लॉकडाउन की वजह से, जो गाइडलाइन अभी तक आया नहीं था और गाइडलाइन 4 दिन पहले आया है कि 5 फुट के अंदर मूर्ति रहेगी, इस वजह से जो मूर्ति हम लोग की बनी थी वो ऑर्डर हो चुकी है। इस समय कोई भी कस्टमर आ रहा है तो मूर्ति हम लोग बना नहीं रहे हैं। हर साल लगभग 2 महीने 3 दिन पहले बुकिंग हो जाती है, इस साल क्या? इस साल तो सर गाइडलाइन, बहुत सारे लोग गाइडलाइंस का वेट कर रहे थे और गाइडलाइन आई भी है तो इतने लेट में आई है कि मतलब अब हम लोग काम ही नहीं कर पाएंगे। कितना प्रभाव पड़ रहा है लॉकडाउन का ये सर? करीबन सर हम लोग समझ लीजिए कि हम लोग का भर्ती अगर जो आ जाए वही बहुत बढ़िया है। पिछले साल की तुलना में इस साल की तुलना कितनी मूर्ति है? इस समय सर 25% सिर्फ मूर्ति बनी हुई है, बस 75% मूर्ति नहीं बनी है। हर
साल कितनी कमाई हो जाती है, इस साल क्या लग रहा है कमाई हो जाती है? हर साल तो सर 50% हम लोग का मेहनत और वो लेके बच जाता था, लेकिन इस बार तो हम लोग देख रहे हैं मेहनत भी करना हम लोग का व्यर्थ है, क्योंकि छोटा आइटम है, महंगा मिल रहा है, मार्केट में सामान है ही नहीं।